हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे और एक भर्ती निकल के आया है, जो वैकेंसी है दोस्तों एचएमटी के कंपनी से वैकेंसी निकल के आ रहा है। एचएमटी क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड दोस्तों। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिटी है दोस्तों, वहाँ से भर्ती निकल के आ रहा है। पूरा जानकारी दूंगा इस वीडियो में, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स बता देता हूँ। उन लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो जिसके पास क्वालिफिकेशन है। आईटीआई एंड डिप्लोमा कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बस एंड तक देखिए, अच्छा लगेगा लाइक तो जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड के तरफ से ये भर्ती आया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, जॉब ओपनिंग में जा रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट फॉर कंपनी ट्रेनी इन वेरियस एरियाज वर्कमैन कैटेगरी इन हैदराबाद। लोकेशन जो होने वाला है वो हैदराबाद लोकेशन में रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये जो अभी मैं मौजूद हूँ, अभी मैं लोकेशन पे नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ये इसरो गेस्ट हाउस में हूँ दोस्तों। मैं अभी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ इसरो गेस्ट हाउस से, तो आप लोग थोड़ा नज़ारा भी अलग देख सकते हो। और गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हो इसरो के लिए, तो आप लोग के लिए मैंने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज बनाया हूँ दोस्तों। जो टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम में आने का चांसेस रहता है, उसी लेवल का क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज बना हुआ है। हमारे एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, हेल्पिंग तपन लर्निंग आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में। अगर आपको वेबसाइट में भी एनरोल होना है तो वेबसाइट में भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ वीडियो कोर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन, वहाँ पर आप लोग एनरोल हो जाइए। नहीं तो वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर भी आप हर रोज आपको एक एक मॉक टेस्ट मिलेगा, हर रोज आप एग्जाम दे सकते हो, मेरे साथ लाइव चैटिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहेगा, व्हाट्सएप नंबर आप लोग को मिल जाएगा, जो मैं आप लोग को हर टाइम कुछ भी अपडेट आए या आपकी मन में कोई भी क्वेरी है तो मेरे साथ चैटिंग भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम अभी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये है दोस्तों एचएमटी का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है, यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हो तो ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, आईटीआई एनएससी 2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों। यहाँ पे सेक्स पोजीशन ए एक वैकेंसी है और पोजीशन बी एक वैकेंसी है। दो टाइप का वैकेंसी रखा गया है, दो टाइप का। पोजीशन बी जो है दोस्तों वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, और पोजीशन ए दोस्तों जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए। पहले मैं पोजीशन ए का डिटेल्स बता देता हूँ। पोजीशन ए में क्या बोला गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन और एसएससी विथ आईटीआई प्लस एनएससी दोस्तों। यहाँ पे आपके पास अगर आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एनटीसी प्लस एनएससी दोनों सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव मोस्ट हैव एक्सपीरियंस, पर एक्सपीरियंस कितना है वो तो मैंडेटरी नहीं है, मांगा नहीं गया है, पर आप लोग अगर फ्रेशर हो तो जरूर इसको अप्लाई करिए। फ्रेशर कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों 10 है, और यहाँ पे टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर फिटर इलेक्ट्रीशियन ये सारे ब्रांच जो है, ये सारे ट्रेड जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड आपको 3 साल रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर 13,000, सेकेंड ईयर 13,500, उसके बाद 14,000 मिलेगा। नेक्स्ट जो आपकी 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी 7th पे मैट्रिक्स वाइज जो भी आपकी पीएसयू वाइज पे स्केल है वो आप लोग को सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट आ रहा है पोजिशन बी, पोजिशन बी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे भी एक्सपीरियंस बोला गया है, पर कोर्स कितना मांगा गया है वो बता नहीं गया है, फिर भी आप लोग अगर फ्रेशर हो जरूर इसको अप्लाई करना। चलिए नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है मैकेनिकल, मतलब बहुत कम पोस्ट है दोस्तों, फिर भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट है तो जरूर अप्लाई करिए। पे स्केल जो है 2 साल का आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 2 साल का जो स्टाइपेंड मिलेगा,
पहला ईयर जो है 14,000 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 14,500, उसके बाद यहाँ पे पेस्केल आप लोग देख भी सकते हो, पेस्केल काफ़ी अच्छा रखा गया है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी लिख दिया गया है, किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा, रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, और जो स्किल टेस्ट का जो है वो वेटेज ज़्यादा रहेगा, 70 मार्क का स्किल टेस्ट रहेगा, और यहाँ पे रिटेन टेस्ट जो है वो 30 मार्क का रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों सर्विस बॉन्ड रहने वाला है, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो सोच समझ के ज्वाइनिंग करना, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बॉन्ड रहने वाला है। एप्लीकेशन फी डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 देना पड़ेगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 250 रुपीज फॉर SC ST और अदर जो कैटेगरी है PWD कैंडिडेट, वो 250 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अप्लाई दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है, इस फॉर्म का PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, फॉर्म इसको डाउनलोड करिए। और सारे चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे दोस्तों एनवल्व के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कंपनी ट्रेनी, यहाँ पे पोस्ट कोड लिख दीजिए, उसके बाद आपको सेंड करना है इस एड्रेस में, ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना पड़ेगा दोस्तों। सेंड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके में कोई भी डाउट्स है दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करिए, और अगर दोस्तों आप ITI स्टूडेंट हो तो ज़रूर हमारे पेड कोर्स जो है आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर एनरोल हो जाइए, क्योंकि वो चीज़ आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे दोस्तों इसरो का एग्जाम भी आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं भी इसरो की गेस्ट हाउस में हूँ, तो आप लोग आना चाहते हो तो ज़रूर दोस्तों मेहनत करना चालू कर दीजिए, बहुत कम दिन बचा है। इसरो का 5 से 6 एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि HSFC, URSC, SAC, अब फिर आइजाक, फिर बहुत सारा एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आप लोग रेडी रह जाइए क्योंकि कम दिन बचा है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।